600 कुछ रुपए का था। 600 रुपए का था इतना? तो मैं मशीन अकेले चलाता हूँ और अकेला हूँ, और मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी यह काम इसलिए कर रहा हूँ। यह जो मशीन आप देख रहे हैं ये धान कुटाई का मशीन है। ये एक छोटा सा रिस्पेक्ट है, ये आप और मैं एक क्लैप कर देता हूँ। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह नाउर के पीडीएस। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं पूरे वीडियोस देखते होंगे गाइस। मैं आज के आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आप थंबनेल देखे कि 100 ईयर्स 100 साल पुराना आपको मैं चक्की दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे है जस्ट, तो चलिए आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और आज आपको जो दिखाने वाला हूँ वो टोटली डिफरेंट है, वो 62 ईयर के। मिस्टर महावीर जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक चक्की है जो कि 100 साल पुराना है गाइस, 100 साल। वो देखिए, इसमें से निकल भी रहा है, आप देखिए इसमें से निकल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा है, देखिए चक्की चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट, इंस्पायर, और जो हमारे पुराने चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। 100 साल से है तो भी ये चल रहा है। चलिए आइए मैं मिस्टर महावीर जी से आपसे मुलाकात कराता हूँ और आगे की जानकारी देता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आज आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा इनसे मिल के भी और ये वीडियो देख के भी। चलिए आइए मैं उनसे मिलवाता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए सर। तो ये कितना पुराना है ये आपका? ये एक कम से कम 1903 का मकान है। 1903 का? हाँ, पूरा मकान है? पूरा मकान है। अच्छा। और 1933 में ये आटा चक्की लगा हुआ है। अच्छा। 1933 से चल रहा है, मेरे बाबा जी चलाते थे, उसके बाद मेरे बड़े पिताजी चलाए, उसके बाद मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय ध्रुव नारायण विश्वकर्मा चलाए, और अब मैं महावीर विश्वकर्मा चला रहा हूँ। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 62 साल है। अच्छा, आपने बंद करने का नहीं सोचा? मतलब ये तो 100 साल से भी अप्रॉक्स पहुंचने वाला है। ये हमारा खानदानी व्यापार है, और रायपुर में 4 जगह थे, 3 तो बिक चुके हैं, और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए बचपन से मैं भी यहाँ लगा हुआ हूँ और ये काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ भी काम। आप पढ़े लिखे? हाँ। वाह, ओके। मैं भी काम किया हुआ हूँ, और जे जे आर्ट ऑफ बॉम्बे से आर्टिस्ट भी हूँ। ओके, अच्छा। और मैंने सर्विस ना करके बचपन से यही काम किया है, इसलिए यह काम में मुझे इंटरेस्ट था, है, और मैं कर भी रहा हूँ। अच्छा। और अभी मैं आपको मशीन चालू करके आटा पिसाई करते हुए भी आपको दिखाई दूंगा। इसके बारे थोड़ा सा बताइए हम लोग को कि इसमें क्या क्या आप करते हो, ये वाले मशीन में क्या होता है? ये मशीन में, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये आटे का चक्की है। यह जो मशीन है ये आटे चक्की का मशीन है। इसमें गेहूँ, दाल, चावल, बाजरी, मक्का, गेहूँ। ये भी 100 साल इसको भी लगभग हो गया है? ये तो मशीन तो चेंज होते रहता है, थोड़ा बहुत पार्ट्स। हाँ, पार्ट्स चेंज होता है, बॉडी चेंज होता है, 2-3 बार ये चेंज हो चुका है। इसकी सब पार्ट से आम मिल जाती है, और जैसा इसका चलाने का जो मोटर है वो सब नागपुर मॉडल है। इसको 1933 में लाया गया था, उस समय से ये चल रही है। तो पहले डीजल इंजन से चलता था, उससे पावर सप्लाई लेकर 1962 में जब पावर लाइन आया तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक से चलने लगा है ये। अच्छा, पहले डीजल से चलता था? हाँ, ये डीजल फीटर इंजन से चलता था। अच्छा। उसे जनरेटर के माध्यम से पावर सप्लाई देकर इसको चलाते थे। अच्छा। हाँ, उसके पहले यहाँ पर घराट चक्की थी, जिसका आप ये पत्थर देख सकते हैं, जिसको बैल चलाता था। इसको घराट चक्की बोला जाता था। इसको बैल चलाता था? हाँ, इसको बैल चलाता था। अच्छा। ये वो चक्की का पत्थर रखा हुआ है। हाँ। इसका मशीन तो नहीं है अभी, सिर्फ पत्थर है। यह जो मशीन आप देख रहे हैं ये धान कुटाई का मशीन है, इसमें धान कुटाई होता है। पूरा बेल्ट है इसका? हाँ, ये पूरी बेल्ट है, और इसमें चावल पॉलिश भी होता है कंट्रोल का। अच्छा। और वो जो मशीन बीच में देख रहे हो वो भी आटे का ही है, पर उस पर दाल दलिया, गेहूँ का दलिया,
दाल बनाने का काम, उड़द मूंग मसूर इसका काम होता है, और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो हल्दी मिर्ची मसाले का मशीन है, उसमें हल्दी मिर्ची मसाले का पिसाई होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना मशीन है, सब चलता है, ये सब मशीन चालू है और इसकी पार्ट्सें मिलते रहती है, पार्ट्स तो चेंज होते रहता है। बाकी ये है कि कारोबार जो है पुराना है, मशीन तो कई बार चेंज हो चुका है, कुछ पार्ट्स ये वो हाँ। है ना, ये यहाँ तक कि ये भी चेंज हो चुका होगा ऊपर का। अब ऊपर का चेंज नहीं हुआ है, वो करीब 50-60 साल से टक चल रहा है। अच्छा, ये बहुत पुराना है भी। हाँ, उसकी बोर्ड आर्मेचर जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने मशीन है इन सब का टप और वो चक्की वो पुरानी है, ये जो है इसको नया चेंज किया गया है, ये 2 साल हुआ है चेंज किए हुए। इसमें देख रहे हैं आप हरे रंग का पॉलिश है, और बाकी वो दोनों पुराने हैं, उनका भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि उनका काम चल रहा है, मशीन भी अच्छे हालात में अभी चल रहे हैं, इसलिए उसको चेंज नहीं किया गया है। इसका जो है चेंज हो चुका है ऊपर का कवर, क्योंकि ये टूट गया था। अभी आप कितना इनकम हो जाता है डेली का, कितने आ जाते हैं अभी? डेली कम से कम 300 से 350 रुपये तक की आमदनी हो जाती है, और मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी यह काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ख़ानदानी व्यापार है, और व्यापार को मैं कोई छोटा बड़ा नहीं समझता, इसलिए मैं सर्विस ना करके मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। आपने कभी भी दूसरा बिजनेस के बारे सोचा ही नहीं? नहीं, मैंने दूसरा बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पापा जी थे वो मेरे को सिखाए, यहाँ पहले वर्कर भी थे, उनके साथ में काम करता था। अच्छा, इस तरह से धीरे धीरे इसके करते हुए मैंने पढ़ाई भी किया, उसके बाद इसी कार्य में लग गया मैं सर्विस। आपके फैमिली कैसा संघर्ष किया है क्या? मेरा फैमिली जो है पहले बहुत ही गरीब परिस्थिति में थे, और धीरे धीरे शहर बढ़ते गया, कारोबार बढ़ते गई, उससे हमारा फैमिली यहाँ से सेटल हो गया, और अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरे परिवार में सिर्फ अभी मैं हूँ, मेरा लड़का है, मेरे भाई बहन हैं, और यहाँ पर सिर्फ इस घर में मैं और मेरा लड़का रहता हूँ। मेरी पति का देहांत हो चुका है, 1 साल होने को जा रहा है, इसलिए अभी तो मैं मशीन अकेले चलाता हूँ और अकेला हूँ। लड़का प्राइवेट जॉब करता है जो बाहर सर्विस में। संघर्ष करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी समय ऐसा था कि हमको इस व्यापार को चलाने में बहुत परेशानी होती थी, और अब धीरे धीरे यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, ना हमें कोई परेशानी है और ना कोई दिक्कत है, और ना ही कोई कार्य छोटा होता है ना बड़ा। हमने ना तो इसे कभी छोटा समझा है और ना ही समझेंगे, क्योंकि आज भी धान कुटाने लोग आते हैं, मसाला पिसाने आते हैं, आटा का पिसाई कराने आते हैं, और ये पुरानी बस्ती है या तो पुराना बसे हुए लोग हैं जो यहाँ पर, ये बहुत पॉपुलर है, लोहार आटा चक्की के नाम से इसको जानकारी सबको है। इतना ही है कि ये घर के अंदर है, इसलिए घर जैसे लगता है, पुराने लोग जानते हैं। जब ये चालू किए थे तो कितना पैसा लगा था इसको लगाने के लिए उस टाइम? ये पूरी मशीन नागपुर से लाया गया था, और ये उस समय 600 कुछ रुपए का था। 600 रुपए का था? हाँ। इतना? अच्छा, इसमें मेरे को इसलिए कन्फर्म ये याद है कि मेरे पास इसका रसीद था। अच्छा, अभी मेरी मकान गिर गई थी। अच्छा, उस समय एक पेटी में इसके कागजात लाइसेंस वगैरह थे, उसमें मैंने रसीद देखा था कि ये नागपुर मॉडल मोटर है, और पूरे मशीन टोटल 600 रुपये में आया था। तो महावीर विश्वकर्मा जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं एक ये मोटिवेशन का काम कर रहे हैं दोस्तों, ये 62 ईयर के हैं सिर्फ, मतलब आप इतना मतलब फिट हो,
है ना, और अभी भी आप काम कर रहे हो जी, अभी भी फैमिली को सरवाइव करने के लिए काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते काफ़ी पुराना ये लोकेशन, 100 साल हो गए हैं अप्रॉक्स, और ये करना एक बहुत हिम्मत लगता है। सो गाइज, आप लोग की तरफ से और नेवर गिव अप इंडिया की तरफ से मैं एक छोटा सा रिस्पेक्ट दूंगा सर को, जो कि काफ़ी मोटिवेशन है आप लोग के लिए और हम लोग के लिए, सभी के लिए ये एक छोटा सा रिस्पेक्ट है। ये आप और मैं एक क्लैप कर देता हूँ, ये रिस्पेक्ट है आपको, है ना। और मैं चाहता हूँ कि और लोग आपका वीडियो देखे और मोटिवेट हुए, है ना। आज जो यूथ है वो जल्दी हार मान जाता है ना। तो मैं चाहूँगा कि आपको देख के बहुत मोटिवेट हुए, और ये भी आपको जानकारी मेरे को देना था कि ऐसा भी कुछ है दुनिया में, इंडिया में, पूरे सब जगह ऐसा भी हमको लोग मिलते हैं जो हमको वो दिखते नहीं कभी, हम कभी वीडियो में नहीं आते हैं, जो छुपे हुए रहते हैं। तो हमको क्या है ना, हमको ऐसे लोग को निकालना है, आप लोगों तक लाना है, ताकि आप भी ऐसे लोग से मोटिवेट हो सके और आपको भी जानकारी मिले कि ऐसा भी कुछ होता है, 100 साल पुराना भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ है अभी भी जो कि चल रहा है, वो चक्की जो चलता हुआ, आई कांट बिलीव, मैंने भी अभी देखा है चलते हुए। तो ये बहुत मतलब अविश्वसनीय है कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब आज के युवा वर्ग चाहे तो पुराने लाइन और पुराने कारोबार को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज कई व्यापारी ऐसी है पुरानी बस्ती में जो छुपे रुस्तम है, और उनको युवा वर्ग संघर्ष करके सामने ला सकते हैं। मैं चाहूँगा युवा वर्ग से कि वो अपनी खानदानी कारोबार को भी आगे लाए, अपनी मन माफिक जो पढ़े लिखे हैं जो वो जो करना चाहते हैं वो भी करें, और पुराने नियम को अपना अपने तरह से अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें। मैं यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा सबसे कि किसी कार्य को ना छोटा समझे ना बड़ा, काम काम होता है, और भरपूर उसको लगन से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और दोस्तों आप लोग को भी अच्छा लगा होगा आज इनसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इनका वीडियो बहुत टाइम से सोचा था लेने के लिए, बट ले नहीं पा रहा था, इस लोकेशन में आ नहीं पा रहा था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रायपुर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, और ये जो लोकेशन है वो है पुरानी बस्ती, लिली चौक यूनियन बैंक के सामने मेरा आटा चक्की है, रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप मेरा ऐसे ही वीडियो देखा कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ बिज़नेस रिलेटेड, आपको जो कि कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और आगे बढ़ने का हिम्मत भी मिलता है इस वीडियो को देख के। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप वीडियो ही मत देखिए, आप कोशिश करिए कि अपने लाइफ में इसको अप्लाई करने का, और कोशिश करिए कि ये जो भी चीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं मेरे वीडियो से, अब मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपने लाइफ में उसको लाइए, करने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज ही कीजिए, अभी कीजिए, उसको एक्शन लीजिए। उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए होता, हिम्मत चाहिए होता है। आप हिम्मत से बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपके में हिम्मत ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पैसा बाद में, पहले हिम्मत, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ये सब लाइए और करिए काम। एक्शन पहले लीजिए, प्लान बनाइए, ज़्यादा प्लान में मत घुसिए, बस काम करिए बस, है ना। और आपको कोई नहीं रोक सकता, बस मेरा ये कहने का मतलब है। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और आप ऐसे मेरा वीडियो देखा कीजिए, मेरा वीडियो डेली आता है।